हाँसी में किराना की दुकान के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने रेट लिस्ट जारी की है, जिसके हिसाब से ग्राहक को यदि कोई दुकानदार ज्यादा महंगा सामान देता है तो उस दुकानदार पर विभाग यह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए विभाग ने अपने नंबर भी जारी किए गए, जिसमें ग्राहक दुकानदार की कंप्लेंट कर सकता है। अगर जो भी ब्लैक मार्केटिंग या रेट से ज़्यादा देता है उसके खिलाफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 7/10/55 के तहत नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। ये 21 दुकानें चिन्हित की गई हैं, ये इसी हिसाब से की गई हैं जिसमें लगभग हर वार्ड कवर हो रहा है। इस बारे में दुकानदार का कहना है कि वो लोग इस लिस्ट से भी कम ताज सामान ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि ये घड़ी सबको साथ लेकर चलने की है, इसलिए वो ग्राहक से वाजिब दाम में सामान दे रहे हैं। मेरा नाम अजय खुराना जी। अजय जी, मतलब किस प्रकार से जो नई रेट लिस्ट आई है अभी किराना में, मतलब क्या उससे रेट जो पहले फालतू चल रहा था या फिर डाउन नहीं, था? नहीं, ज्यादा नहीं चल रहा था, जो वाजिब रेट था ना उसी का जो हमारे पास लिस्ट है पड़ी, जो वही रेट हम नॉर्मल बेच सकते हैं वही नॉर्मल चल रहा है अभी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने हमारे जो मतलब 5% मार्जिन लेके जो हम चलते हैं उसका भी ध्यान रखा है, और कस्टमर को भी ज्यादा ना लगे गवर्नमेंट ने उसका भी ध्यान रखा जी। बहुत वाजिब रेट लिस्ट है जिससे कस्टमर को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और दुकानदार को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो किस प्रकार से मतलब ये रेट उन्होंने दिए हुए रेट लिस्ट? सर जैसे मेरे व्हाट्सएप पे है अभी, तो हरी मूंग की दाल 100 से 110 के बीच में लिखी हुई है, 100 रुपए हम नॉर्मल दे ही रहे हैं जी। और तुअर दाल 100 से 105 लिखी हुई है, हम नॉर्मल 90 रुपए दे रहे हैं उसको भी। मूंग दाल साबुत 100 110 लिखी हुई है, 100 रुपए हम लोग नॉर्मल दे ही रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि दुकानदार को कोई समस्या होगी किसी प्रकार की या ग्राहक को समस्या होगी, मतलब बराबर जो चल रहा था वो ही नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल है बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके ठकराल है गगन जी, मतलब जो किराना का काम करते हैं तो किस प्रकार से मतलब आप जो खाद्य पदार्थ जो सामान है किस प्रकार से रेट उनका चल रहा है? कोई ज्यादा बढ़ा गया है लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे? नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं वो गलत है जी। हमारी शॉप के पास जो रेट गवर्नमेंट ने जो रेट लिस्ट दी हुई है उससे भी कुछ ना कुछ कम ही बेच रहे हैं, कि ग्राहकों को जो है ना ये परेशानी ना हो कि लॉकडाउन के दौरान रेट बढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जितने भी कस्टमर आ रहे हैं सब सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं कि आपके रेट बिल्कुल रीजनेबल ले रहे हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम अपने जय किराना शो सुरेश जी। सुरेश जी, मतलब किस प्रकार से मतलब अभी जो ग्राहक आपके पास आ रहे हैं और किराना का जो सामान ले रहे हैं, जो घरेलू खाद्य पदार्थ दाल वगैरह अदर जो भी है, तो किस प्रकार के उनके रेट चल रहे हैं सर? बिल्कुल नॉर्मल रेट है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। पहले के मुकाबले मतलब क्या बंद से रेट डाउन है? डाउन है। बंद का कुछ असर मान रहे हैं इसमें? हाँ मान रहे हैं, अब मान रहे हैं, इसलिए कम हुआ है? कम हुआ है। तो जो रेट लिस्ट है सरकारी आई है उसके हिसाब से क्या चल रहा है सर? उससे काफी कम है? काफी तो नहीं, ठीक है, पहले से कम, पहले से कम है। तो ग्राहक कैसा आ रहा है, मतलब पहले की तरह आ रहा है या फिर आई नहीं? अब कम आ रहा है, अब पहले से ग्राहक भी कम आ रहा है। पहले लोगों ने सामान इकट्ठा कर लिया ना फटाफट, अब वो बातें नहीं है, अब वो बातें नहीं है, सामान संतुष्ट होकर ले जा रहे हैं, संतुष्ट होकर लेके जा रहे हैं। तो कितना टाइम आपके दुकानों का रहता है सर? सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, सही 12 बजे तक लोग करते। तो गवर्नमेंट ने किया है या फिर आप लोगों ने अपने खुश होकर किया? खुश होकर हमने यूनियन की तरफ से किए जी, ग्राहक को भी संतुष्ट करेंगे और पब्लिक को भी, सबको करेंगे। थैंक यू सर। वहीं सुबह सुबह किराने की दुकान पर भीड़ होने के चलते पुलिस कर्मचारी ASI कृष्णा रानी ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग नहीं मानते उनके साथ थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ती है। रानी ASI जी। जी, जी मैडम, ये जानना चाहेंगे मतलब किस प्रकार से लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब पालन कर रहे हैं या फिर आप जैसे दुकान पे जाके अभी सामने देखा तो क्या कैसा हुआ है माहौल? इनको लोगों को यही समझाते हैं कि आपने कम तो कम 7 फुट की या 5 फुट की दूरी बना के रखो जी। ये बीमारी ऐसी है, एक बार लगने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो अभी इसमें बचाव भी जरूरी है जी, बस यही सबसे बड़ी दवाई यही है कि बचाव। तो अभी मतलब इनको समझा रहे हैं आप जाके? हाँ जी। तो क्या लोग पालन कर रहे हैं इस बात का? आपके बच्चे कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग नहीं करते उनके साथ किस तरह का बचाव किया जाता है? अभी तो इनको समझा के, जैसे समझा के इनको दूर में खड़ा कर देते हैं, जो नहीं समझते फिर कहीं ना कहीं मानते हैं कि स्ट्रिक्टली व्यवहार भी करना जरूरी है। थैंक यू मैडम।